चलो ठीक है, तो फिर आज देखेंगे हम लोग, आज क्या देखने वाले हैं, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड द फाइनल होगा, ठीक है, और आज इस कहानी को खत्म ही कर देना है। ओके चलो, और तुम लोग अपना कॉपी निकाल के रखो, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको लिखना भी है, समझे। इसके पहले स्टडी की है बहुत सारा, ठीक है, साहित्य के बारे में स्टडी की है, उसके बाद और ऐसे बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे, बहुत सारे ऐसे पर्सन थे जिसके बारे में डिस्कशन किया गया। तो अब उसके बाद जो स्टोरी आती है उस स्टोरी को देखेंगे कि आगे क्या कहानी देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो अपने अपने बुक्स में दिखना है, और जो इम्पोर्टेंट वर्ड रहेगा उसको मैं लिखने के लिए बोल दूंगा। देखो क्या लिखा हुआ इसमें, एंग्विज्ड एज ही वाज अबाउट कश्मीर्स डेस्टिनी, साहिद रिजल्टली रिफ्यूज्ड टू एम्ब्रेस द रोल ऑफ द विक्टिम दैट कुड सो इजीली हैव बीन इट्स हेड ही डन, सो ही कुड नो डाउट हैव इजीली बिकम ए फिक्सर ऑन टॉक शोज एंड न्यूज प्रोग्राम्स। देखो इसमें पहला वर्ड आया हुआ है कि एंग्विज्ड रिजल्टली, इसका मतलब होता है रेजोल्यूटली, ठीक है, इसका लिख लो रेजोल्यूटली, रेजोल्यूटली का मतलब होता है सख्ती से, रेजोल्यूटली, सख्ती से, ओके मतलब कड़ा तरीके से, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जरा इसको देख लेना है, ठीक है, आगे देखो। कहता है कि साहिद जो है ना, साहिद जब कश्मीर में था तो साहिद का जो उसका रियल घर था वो कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर, जिसके माता पिता जम्मू कश्मीर, बाकी वो भले ही अदर कंट्री चला गया रहने के लिए, लेकिन उसका रियल घर जो था वो जम्मू कश्मीर में था। और जब यहाँ रहते थे वो, तो कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे। प्रॉब्लम में क्या थे कि यहाँ पर राजनीति चलती थी जम्मू कश्मीर में। हाँ बिल्कुल सही बात है कि आज से 70 साल 75 साल पहले जम्मू एंड कश्मीर में राजनीति ही चलता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर किसी का नहीं था, ना तो हिंदुस्तान का था ना तो पाकिस्तान का था। हरी सिंह नाम का एक राजा वहां रहता था, जिसने कि ये डिक्लेयर किया था कि ना तो हम हिंदुस्तान में जाएंगे ना तो हम पाकिस्तान में जाएंगे, जब बंटवारा हो रहा था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, ठीक है। उस इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर को हम ले लेंगे और हिंदुस्तान चाहता है कश्मीर को हम ले लेंगे, है ना, ये आर्टिकल 35A की वजह से ऐसा हो रहा था। तो इसको हटाया गया, हटा करके आज हिंदुस्तान में ही वो जम्मू कश्मीर आ गया है, ओके। तो वही साहिद कहता है कि उस टाइम पे काफी ज्यादा हमें समस्या झेलनी पड़ रही थी, ठीक है। लोग कहते थे कि तुम एक राजनीतिक कवि हो, तुम राजनीति वाले कविता कहते हो, ठीक है, लेकिन इसका कहना था कि नहीं, मैं राजनीतिक नहीं, मैं राष्ट्र कवि हूँ, मैं राष्ट्र के लोगों के लिए मैं कविता लिखता हूँ, ये कहानी लिखता हूँ, ठीक है, ओके। चलो इसके बाद क्या है कि आई वॉन्ट्स रिमार्क टू साहिद दैट ही वॉज द क्लोजेस्ट टू द कश्मीर टू द नेशनल पोइट ही सॉट बैक, ए नेशनल पोइट मे बी रूट नॉट ए नेशनलिस्ट बट प्लीज नॉट दैट इन द टाइटल मोदी द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, ए पोइट रिटर्न्स कश्मीर टू फाइंड द कीपर ऑफ ए फॉरन मिनरल। कहता है कि लोग इसको कहते थे कि तुम एक कवि तो हो लेकिन तुम एक राष्ट्र कवि नहीं हो, लेकिन साहिद क्या बोलता था कि नहीं, मैं एक राष्ट्र कवि ही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी कविताएं लिखी, जैसे एक था द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, एक तो उसने कविता लिखा था कि ऐसा देश बिना डाकघर का देश, बिना पोस्ट ऑफिस का देश, उसने एक जो है कहानी लिखी हुई थी उसके ऊपर, ठीक है। और लिखने के बाद इसमें इसने ये दर्शाया था कि एक पोस्ट ऑफिस, एक पोस्टमैन जम्मू कश्मीर आता है अपने मिनरेट को ढूंढने के लिए। मिनरेट का मतलब यहाँ हम लोग लिखेंगे एक तरह का मीनार, ठीक है, समझ लो कि वो कुछ ऊंचाई चीज को छूने के लिए आया हुआ था, ठीक है। पहले वहां पोस्ट ऑफिस नहीं था, इसलिए उसने लिखा था कि एक कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, फिर बाद में वहां धीरे धीरे बनाया गया, ओके। कहता है नेक्स्ट में, नथिंग विल रिमेन एवरीथिंग इज फिनिश्ड, कहता है कुछ भी नहीं बचेगा, है ना, सब खत्म हो जाएगी इस तरह से।
I see his voice again. This is the shrine of words. You will find your letter to me and mine to you. Come, son, and tear open this vanished envelope. This is an archive. I have found the remains of his voice, that map of the jungle with numbers. कहता है कि अब कुछ नहीं बचा है, तुम आओ और जो भी चीजें हमारे पास हैं हम उसी में खुश रहते हैं। बंद हुए लिफाफों को तुम खोल दो, मतलब ये सदियों से जो हमारे यहाँ दुख दर्द रहे हैं उसको तुम दूर कर दो, ठीक है, और फिर एक नए जीवन की शुरुआत की जाए। आगे लिखा हुआ है, इन दिस फिगरिंग ऑफ हिज होमलैंड, यहाँ एक वर्ड और भी है, जैसे मिनारेट, इसका मतलब होता है मीनार, ठीक है, लिख लो इसको मीनार या फिर टावर, है ना, मीनार या फिर टावर। और वैनिश्ड का मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है, आगे देखो, कहता है कि जब भी साहित्य का वर्णन किया जाता है, मतलब कि उसके बारे में कुछ लिखा जाता है, तो कहता है कि मैं खुद ही एक वर्णन किया हुआ हूँ, मेरे बारे में तुम क्या लिखोगे, मैं जहां जाता हूँ लोग खुद ही मेरे बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि वो एक ऐसा इंसान था जहां की अंधकार की बिंदु चल रही हो, जब वह वहां पहुंचता था तो वहां पर रोशनी बिखर जाती थी, ठीक है, लोग उसको ऐसा मानते थे, है ना। और फिर ये भी लोग कहते थे कि साहित्य का जो भाग्य है, साहित्य का जो लक है, वो जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर साहित्य कहता है कि अगर मैं मरूंगा तो फिर कहाँ मरूंगा, जम्मू कश्मीर के मौसम में, उसमें कोई भी मौसम हो मैं उसी मौसम में त्रिमैंग में मरूंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में ही मरूंगा। उसके बाद फिर ये कहता है साहित्य की मेरी जो दिनचर्या है, मेरी जो डेली रूटीन है, वो हमारे क्षेत्र के हिसाब से ही मैंने रखा हुआ है। ठीक है, और कहते हैं कि जब मेरे शरीर से कुछ रक्त निकलेंगे तो लोगों को एक ही रक्त का न्यूज मिलता चला जाएगा। सही बात है कि बड़े लोग होते हैं, समझे, थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो फटाफट लोगों तक इसकी पहुंच जाती रही, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, है ना। अब वाकई में ये इतना बड़ा कवि है तो हर लोग इसको जान रहा है, इसके हर एक चीज को जब लिखता है तो सब लोग इसके बारे में जानते हैं, क्या लिखा है, नहीं लिखा है, अगर थोड़ा कुछ हो जाएगा। उस समय कवियों की बहुत इज्जत अभी भी है, बट उस समय बहुत था, क्योंकि उस समय कवियों के अलावा और कोई लिखने वाला था नहीं। आज तुम्हारे पास हजारों लोग हैं लिखने के लिए, आज के जमाने में हमारे पास बहुत सारे सोशल साइट्स हैं, लोग कुछ भी बोल करके निकल जाते हैं, लेकिन उस टाइम पर नहीं था, एक ही माध्यम था, वही पत्र, वही कविता, वही कहानियां, उसी से लोग सीखते थे, समझते थे और आगे बढ़ते थे, जिससे कि लोगों की फेमस बढ़ने लगी और एक ही आदमी को लोग बहुत ज्यादा जाने लगा था, जिसे तुम्हारा अमिताभ बच्चन जो पिताजी था, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, वो बहुत बड़े कवि थे, लोग उनके पुरुष कविताओं को बहुत पढ़ते थे, जैसे प्रेमचंद हुआ, ठीक है। अभी कहाँ कोई पूछ रहा है, सब आउट ऑफ माइंड हो गया, क्योंकि अब उससे भी बड़े बड़े लोग आने लगे, उससे बड़ा तो नहीं आएगा लेकिन सिमिलरिटीज मांगने लगा, तो लोग अपने माइंड को डाइवर्ट करके उधर ले गया, इधर छूट गया। अब पहले क्या था कि उसके पास सिर्फ बुक्स था, उसको उसी को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, इसलिए वो लोग अधिकतर कवियों के ऊपर ध्यान देते थे, समझे, बट अभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कहता है कि अरे मैं जैसे निकलूंगा तो लोग मुझे देख कर ही मेरी तारीफ करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कहता है कि आज भी मैंने अपने कॉपी में 5 मई को एक टेलीफोन में बात की थी, आज भी वो दर्ज है, ठीक है, क्योंकि मुझे जो है जांच के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना था, ठीक है, कीमोथेरेपी एक तरह का जांच होता है, मुझे वो करना था, ठीक है। और फिर कहा जाता है कि मुझे ऐसा भी लग रहा था कि इस बार मेरा आखिरी बार अस्पताल जाना होगा और फिर मेरा जो इलाज का कोर्स है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है।
तो सिर्फ बातचीत वगैरह सभी दिया हुआ है। चलो थोड़ा इसके आगे देखते हैं। मतलब जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसका इलाज होने के बाद, सारा चीज होने के बाद उसको खबर दी जाती है कि मिस्टर साहिद अब आपके बचने की उम्मीद ज्यादा नहीं है, ठीक है। तब उसको पता चलता है, यहाँ तक जब उसको पता चलता है तब वो अपने दोस्तों को बुलाता है कि तो मेरे बारे में लिखना, ये है वो है, हमारे दिन नहीं बचेंगे, है ना, ठीक है, ये सब कहने तब वो होने लगता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ज्यादा दिन बचने वाला नहीं है, ठीक है। तो बोला कि हम ऐसे कैसे रह जाएंगे, मेरे बारे में लोगों को जानना चाहिए, है ना, हम क्या थे नहीं थे, हमने किस किस तरह का काम किया अपने जीवन भर में, सब लोगों तक पहुँचा, तुम लोग मेरे बारे में लिखना, ठीक है, ये सब भक्ति। आगे क्या लिखा हुआ है कि डेस्ट स्टार्टिंग ब्लैंकली एट माई डेस्क आई सेड व्हाट विल यू डू नाउ साहिद, आई वुड लाइक टू गो टू द कश्मीर टू डाई। उसने पूछा तुम क्या करोगे अब, साहिद जवाब दिया कि मैं कश्मीर वापस जाऊंगा, मैं वहीं मरूंगा। His voice was quiet and untroubled. Now I have to get my passport, settle my will and all that. I don't want to leave a mess for my siblings. But after that I would like to go to the Kashmir. Sibling का मतलब होता है बच्चे, क्या होता है बच्चे, बच्चे, बच्चे। वहाँ पे sibling का मतलब होता है बच्चे, ठीक है। SIB सिविलिंग का मतलब होता है बच्चे। चलो ठीक है, सिविलिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, बच्चे। देखो शायद क्या बोला कि मुझे कश्मीर जाना है, मेरे सारे पासपोर्ट वगैरह रेडी करो, ठीक है, और फिर वो निकलने में तैयार हो जाता है। बट आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू गो टू कश्मीर, आई स्टिल इज सच ए द फ्यूडल सिस्टम, देयर आर there and there will be so much support and my father is there too, anyway I don't want to my sibling to have to make journey afterward like we had to with my mother. कहता है कि हम अपने बच्चों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे, ना तो हम उसको ऐसे जीने देंगे जिस तरह की हमें, हमने जिया, हमारे माता पिता ने जिया, है ना, हम उसको उस तरह के सिचुएशन में डाल करके नहीं जाएंगे, बल्कि हम उसके लिए कुछ बेटर करके जाएंगे ताकि हमारे जाने के बाद अपना इजिली अपना काम कर सके, ठीक है, समझे। आजकल के पेरेंट्स कैसे होते हैं कि वो माता पिता मतलब केयर नहीं करते और फिर बच्चे जो हैं खुद ब खुद आगे बढ़ते हैं, उन्हें पता नहीं होता है क्या करना नहीं करना, ठीक है, और फिर वो हर रास्ते में चला जाता है। तो सपोर्ट क्या है सबसे बड़ा, कि पेरेंट्स उसे गाइड करें व्हाट टू डू और नॉट, ओके, क्या करना नहीं, क्योंकि बिकॉज दे हैव बीन लिव देयर लाइफ, ओके, व्हाट एवर आर वी नाउ, जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं वो जिगरते लोग बैठ चुका है, तो उनको बेटर आइडिया पता है कि क्या करना है नहीं करना है, कैसे क्या जीना है, ना, ठीक है, कहाँ पे क्या जाना है, ठीक है, बेटर आइडिया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब आप मार्केट जाते हो तो डेफिनेटली आप पूछते हो टू योर पेरेंट व्हाट टू बाय देयर, ठीक है, हाउ टू बाय देयर, क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, अगर दुकानदार बोलेगा 10 रुपये के, आप क्या बोलेंगे 8 रुपये देंगे, है ना, पूछ के जाते हो बिकॉज दे हैव द आइडिया अबाउट इट, उसको पता है इसके बारे में कैसा है, फर्स्ट टाइम जाएंगे तो पता चलेगा नहीं ना। तो वैसे ही ये पूछ रहा है कि साहिद तो चला जाएगा लेकिन इसके बच्चे जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो जिंदगी हमने जी या फिर जो प्रॉब्लम हमने झेला वो झेले वो लोग, ठीक है। आगे देखो, लेटर बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल एंड द अदर रीजंस ही चेंज हिज माइंड अबाउट रिटर्निंग टू कश्मीर, ही वॉज कंटेंट टू बी लेट टू रेस्ट इन द नॉर्थन पॉइंट इन द ओवेक्निटी ऑफ द Amherst a town secret to the memory of his beloved family Dixon, but I do not think it was an accident that his mind turned to Kashmir in speaking of dad. देखो फिर उसके मन में क्या हुआ, सोचा नहीं हम कश्मीर वापस नहीं जाएंगे, जहाँ वही जाएंगे जहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है, ठीक है, वो बोला कि हम अपने फैमिली के पास जाएंगे, उसका फैमिली कहाँ था, तो वही एक कंट्री है यहाँ पे नॉर्थम्पटन, ठीक है, इसका घर भले जम्मू कश्मीर में था लेकिन रहता भी वहीं पर था, इसकी पत्नी बच्चे वहीं रहते थे, इसकी पिताजी इसकी माताजी जम्मू कश्मीर में रहती थी, फिर क्या इसका मामला बोला नहीं हम मेरा डेथ होगा तो जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, ठीक है, भले हम दुनिया में कहीं भी रहे लेकिन तुम्हारा जन्म स्थान जहाँ है तुम वहीं जाना चाहोगे एट लास्ट, ओके। Poetic imagery, death, Kashmir and Sahid. Sahid had become so closely overhead as to the inseparable like old
फोटोग्राफ्स दैट हैव मेल्टेड टुगेदर इन द रेन। कहता है कि साहिद का जीवन जो था ना बिल्कुल पिघल चुका था, जैसे कि कोई फोटोग्राफ है और जिसको बारिश में छोड़ दें तो धीरे 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 गल करके पिघल जाता है, वैसे ही साहिद की जिंदगी भी पिघल रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, यही रहें कि जम्मू कश्मीर जाएं। ओके समझे ना, कौन सोच रहा था ऐसा? साहिद। साहिद ठीक है। द लास्ट टाइम आई सॉ साहिद ऑन 27th अक्टूबर एट हिज ब्रदर्स हाउस इन एमहर्स्ट, ही वॉज इंटरमीटिंगली एबल टू द कन्वर्स एंड देर वेयर मोमेंट्स व्हेन वी टॉक्ड जस्ट वी हैड इन द पास्ट। कहता है कि मैंने आखिरी बार साहिद को 27 अक्टूबर को उसके भाई के घर में देखा था एमहर्स्ट में, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा ही हमने अच्छी बातें भी की थी। He was aware as he had long been of his approaching end and he had made his peace with it. I saw no trace of anguish or conflict surrounded by the love of his family and friends. He was calm, contented and at peace. He was said to me once, I love to think that I will meet my mother in the afterlife. If there is an afterlife, I had the sense that as the end neared, this was his supreme consolation. He died. He delved peacefully in his sleep at 2 AM on 8 December. Wow. कहता है वो साहिद, कहता है अगर मैं बहुत खुश लग रहा था अपने परिवार के साथ में, फैमिली के साथ में, कह रहा था कि मुझे अगर आफ्टर लाइफ मतलब जिंदगी के बाद भी अगर कोई जिंदगी मिलेगा तो मैं वहां भी अपने परिवार से मिलूंगा, फैमिली से मिलूंगा, वहीं रहूंगा, ठीक है। और फिर इस तरह बातें करते करते जो है ना 2 बजे 8 दिसंबर को उसकी मौत हो जाती है। Now in his absence, I am amazed that so brief the friendship has resulted in so waste the void. Often when I walk into my living room, I remember his presence there, particularly on the night when he read as farewell to the world. कहता है कि जब साहिद का डेथ हो जाता है ना, तो जब उसका दोस्त उसके लिविंग रूम में चलता है, लिविंग रूम का मतलब होता है जहां वो लोग बैठ करके खाना खाता था, बैठ के पढ़ता था, रहता था, ठीक है, यूजुअली पार्टिकुलर जब वो जिंदा था, तो जब वो ऐसे चलता है तो उसको फील हो रहा है कि साहिद भी पीछे पीछे आ रहा है, ठीक है, साहिद भी कहीं बैठा हुआ है ना, उसको फील ऐसा हो रहा है, होता है लोगों को। ओके आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, वाओ, ठीक है। तो वही सपना देख रहा है, ये भी सपना देखने लगा हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी, मान लो कि मैं भी जिंदगी के सबसे आखिरी वाले घाट पर खड़ा हूँ। हाँ बिल्कुल खड़े लोग आखिरकार वही पहुँचाएंगे, ठीक है। तो इस कहानी का रियल मतलब क्या था कि तुम जीवन में कितने भी व्यस्त हो जाओ, तुम जिंदगी में कितने ही बिजी हो जाओ, एट लास्ट एक ही घाट आता है जिसको बोला जाता है दुनिया का आखिरी घाट, ठीक है। वैसे लोग इसको सिस्टमेटिक बोलते हैं कि दुनिया का आखिरी स्टेशन कौन सा होता है, है ना? तो हमारे हिसाब से कब्रिस्तान, तुम लोगों के हिसाब से क्या जाएगा, शमशान घाट, है ना स्टेशन। तो कितना भी यात्रा कर लो, आखिरी आदमी को वही पहुंचना है। तो वैसे ही बोला कि तुम कितना भी तुम लंदन, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया क्यों ना कहीं चले जाओ, तुम्हें आखिरकार एक दुनिया के जो लास्ट घाट है तुम्हें वही पहुंचना होगा, ठीक है। तो अब जो उसका कभी दोस्त था उसे भी फीलिंग हो कि लगता है मानो मैं भी द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड में खड़ा हूँ, दुनिया के आखिरी घाट पर मैं भी खड़ा हूँ और मेरा भी जो है अब समय होने वाला है, ठीक है। तो वैसा वो लोग समझा गया। तो वाकई में ये कहानी थी साहिद की, जो कि एक बीमारी से जूझता है और अपने मित्र को बुलाता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में लिखो, फिर साहिद के बारे में लिखा जाता है और धीरे धीरे हमने पढ़ा कि साहिद कहाँ रहता था, इसके माता पिता जम्मू कश्मीर में रहते थे, है ना, साहिद खुद रहता था एक बड़े से कंट्री में, फिर इसको पता चला कि मैं बीमार हूँ, मैं मरने वाला हूँ, है ना, मेरे पास समय कम है, अपने दोस्तों को बुलाता है तो मेरे बारे में लिखना शुरू करो, ठीक है। फिर इसने फैसला किया कि मैं जम्मू कश्मीर वापस जाऊँगा, है ना, जिस तरह के जीवन मैंने जिया है वो मेरे बच्चे उस तरह का प्रॉब्लम ना झेले, ठीक है, ये भी वो सोचता है, ठीक है। और आखिरकार एक दिन इसकी 2 बजे 8 दिसंबर को मृत्यु हो गई, ठीक है क्लास, नहीं प्रॉब्लम, 8 दिसंबर की 2 बजे।